वहाँ पर फिश पकड़ रहे हैं। सुबह सुबह 7:45 इन द मॉर्निंग था, बड़े मुश्किल से मानते थे कुछ ऐसा रहता हुआ, पूरा खाली खाली। हाँ ये देखिए इस तरह सरप्राइज, देखिए इतना खाली है, पूरा खाली बीच। यहाँ पे आओगे तो पूरा आपको खाली नजर आएगा। तो इट्स अ डे 3 हियर इन गोवा कोलवा बीच। अभी अभी आया है बीच के साइड, देखिए पानी में जा रहे हैं मेरे फ्रेंड, मैं तो नहीं जा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा रहा नाइट ड्राइव कल रात, एकदम बढ़िया लगा वहाँ पर पंजी के साइड। अभी देखते हैं आज कहाँ जाना है, तो अभी इंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा लग रहा है, ये बाकी बीचों से कुछ हटके है, यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं है, आप एंजॉय भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आप आ सकते हो कोलवा बीच के लिए। एकदम बढ़िया बीच है, अच्छा लगेगा आप लोगों को, एक बार ज़रूर यहाँ पर भी विजिट कीजिए। कोलवा बीच शानदार बीच है। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े लाट आ रहे हैं, वेव्स देखिए वहाँ पर फिश पकड़ रहे हैं। और ये ह्यूमिडिटी शुरू, ये लोग जाकर आ गए, अब जाएंगे पूल में, क्या करना है पूल पार्टी। ये भी मजे लेते हुए पूरा खाली ही खाली है। एंड वी आर बैक एट द होटल, नाउ इट्स पूल टाइम। ये देखिए स्विमिंग पूल कुछ इस तरह है यहाँ पर, कोलवा बीच रिसॉर्ट, यहाँ पर आप आ सकते हो। एसी नॉन एसी रूम्स है अवेलेबल, काफ़ी अच्छा पूल है। ये देखिए एकदम बढ़िया। सो ऑल आर रेडी गोइंग फॉर अ ब्रेकफास्ट, ये लोग भी रेडी हो चुके हैं, चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। मसाला डोसा सांभर इडली वड़ा डिप खाते हैं और फिर मिलते हैं। ब्रेकफास्ट हुआ ख़त्म, काफ़ी अच्छा था, मसाला डोसा और इडली सांभर खाए। अभी देखते हैं कहाँ पे जाना है आज। एकले का लॉग इन है, हम दोनों वेल्ले हैं, तो हम दोनों ही जाना पड़ेगा आज, तो देखते हैं। चलिए चलो, हेलो ऑल सेट चलने का ना, चलो अभी यहाँ से चेकआउट। कोलवा बीच रिसोर्ट पे थे हम लोग, कोलवा के वे बीच के नज़दीक, अभी यहाँ से चेकआउट कर दिए। ये रही हमारी कार, यहाँ से देखते हैं अभी वागाटोर जाने का है। चलो ऑल सेट निकलने के लिए, बैग वो सभी रख दिया है पीछे, अभी चलते हैं। चलो बाय बाय कोलवा, नेक्स्ट स्टॉप पेंजिम। आज बहुत ट्रैफिक है रास्ते पे, ट्रक ट्रैफिक ज़्यादा ही है, साइड लग तू ला उतर रहे हैं जो साइड लग मिला उतर।
अभी हम जा रहे हैं पैंजिम, देखते हैं वहाँ पे दो प्लेस कर लेते हैं और फिर वाकाटोर। सो फार सो गुड, अच्छे दो दिन निकले, दो नाइट, एक नाइट नॉर्थ पे एक नाइट साउथ पे, और दो दिन रहना था बट कुछ इमरजेंसी के कारण हमको आज शाम को ही निकलना पड़ेगा। देखते हैं अभी अगला ट्रिप कब होता है। गोवा तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए, अच्छा था। अब देखते हैं आगे दो प्लेसेस कैसे रहते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर। ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन चल रहा है रास्ते का, थोड़ी देर